ποτάμι στους πίνει. આજુબાજુની સોસાયટીના ધર્મપ્રેમી જનતાને મહેસાણા નગરની શ્રીમદ ભાગવત જ્ઞાન યજ્ઞમાં લાભ લેવા માટે શ્રી રામ સેવા સમિતિનું આપને હાર્દિક નિમંત્રણ છે. ભાગવત સપ્તાહ ટૂંક સમયમાં શરૂ થનાર છે, તો આજુબાજુની સોસાયટીના ભાઈ બહેનોને લાભ લેવા માટે હાર્દિક નિમંત્રણ છે. ભાગવત યજ્ઞ ટૂંક સમયમાં શરૂ થઈ રહ્યો છે, તો આજુબાજુની આ સોસાયટીના ભાઈ બહેનોને ભાગવત જ્ઞાન ગંગાનો લાભ લેવા માટે હાર્દિક નિમંત્રણ છે. હાર્દિક નિમંત્રણ છે. ટૂંક સમયમાં જ્ઞાન યજ્ઞ શરૂ થઈ રહ્યો છે, તો તમામ ભાઈ બહેનોને પધારવા માટે હાર્દિક નિમંત્રણ, હાર્દિક નિમંત્રણ. ભાગવત પોથી પૂજા શરૂ થઈ રહી છે, તો લાભ લેવા માટે દરેક ભક્તોને હાર્દિક નિમંત્રણ. ભાગવત પોથી પૂજા શરૂ થઈ રહી છે, તો લાભ લેવા માટે તમામ ભક્તોને વધારવા હાર્દિક નિમંત્રણ છે.
परम पूज्य 1008 महामंडलेश्वर स्वामी श्री ब्रह्मानपुरी जी महाराज आयुर्वेदिक आचार्य ब्रह्मानपुरी स्वामी कृष्णानंदपुरी महाराज फाउंडेशन महाराजी टूंक समय में व्यास ऊपर बैसीने भागवत ज्ञान यज्ञ ज्ञान यज्ञ नु पान करना छे तो अमनी मेहसणा नगर नी जनता ने आ यज्ञ मंडप में पधारवा माटे ज्ञान यज्ञ में ज्ञान लेवा माटे धार्मिक लाभ लेवा माटे मेहसणा नगर नी धर्म प्रेमी जनता ने हार्दिक निमंत्रण छे हार्दिक निमंत्रण जी 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 हेलो
હેલો 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 ભગવત ભગવાન કી જય શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન કી જય શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય શ્રી પવન કુમાર હનુમાનજી મહારાજ કી જય જ્ઞાન યજ્ઞ શરૂ થઈ રહ્યો છે તો તમામ ભક્તોને મંડપમાં પધારવા માટે હાર્દિક નિમંત્રણ આજુબાજુની સોસાયટીના ભાઈ બહેનોને આ ધાર્મિક જ્ઞાન યજ્ઞનો લાભ લેવા માટે હાર્દિક નિમંત્રણ છે ટૂંક સમયમાં જ્ઞાન યજ્ઞ શરૂ થાય છે તો મંડપમાં પધારવા માટે આપને હાર્દિક નિમંત્રણ હાર્દિક નિમંત્રણ હાર્દિક નિમંત્રણ બંધ કરો એક ટોટલ
हल 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 ये हलो 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 हेलो 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 Thank you.
હેલો શ્રી રાધે શ્રી રાધે શ્રી રાધે શ્રી રાધે શ્રી રાધે શ્રી રાધે બેસ શ્રી રાધે શ્રી રાધે મીટર બઢાવો બેલેન્સ રેન્જ શ્રી રાધે શ્રી રાધે બેસ ચલો જૈસે ભી નિભાતે આજ પહેલા દિન હરી બેસ બેલેન્સ મેં દો બેલેન્સ મેં કુછ નહીં મોનિટર બંધ કરો મોનિટર બંધ છે એ ચાલુ કરો ને એ રીતે મમડવા ના આવે તો પછી કેવી રીતે કાર્યક્રમ હોય એ ભાઈ માં બેસ આપો હમિંગ દો અને એ મી ચાલુ કરે ચલો હલ ઓ કમલેભ્યો નમઃ માતૃપિતચરણકમલેભ્યો નમઃ શ્રેષ્ઠદેવતાભ્યો નમઃ શ્રીમન્મહ
श्रवण करें। सर्वप्रथम अगर हम एकाग्र हुए हैं, एकाग्रित हुए हैं तो क्यों हुए हैं? कथा के श्रवण से आदमी के जीवन की व्यथा दूर हो जाती है। कथा के श्रवण से आदमी के जीवन की व्यथा दूर हो जाती है। और कथा को उल्टा करो क्या होता है? कथा हमड़ी लो ना तो पची जीवन ना थकान उतरी जाए, पर मन मस्तिष्क एकाग्र थवानी चाहिए। कथा को उल्टा करो तो क्या होता है? यानी संपूर्ण जीवन की थकान उतर जाए। लेकिन अगर कथा श्रवण के समय मन और मस्तिष्क एकाग्र ना हो तो व्यथा का निर्माण भी हो जाए। किसी ने कहा है कि संसारियों के जीवन की व्यथा और भगवान की कथा, ये दोनों अनंत हैं। श्रीमद् भागवत कथा की बात करते हैं, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने की बात करते हैं तो और थोड़ा सा हमारे विप्रो ने तो किया है, लेकिन हम आपको बता दें, हमने पोथी को उठाने से पहले पवित्रीकरण किया। तो क्या है पवित्रीकरण? क्या मिलता है उस पवित्रीकरण से? पंडित जी ने शुरू कर दिया, आपावित्रम पावित्रो सर्वास्थान गतो पिवा या स्मरेत पुंडरीम काक्षाय सुची। ये वाह है, आवरण को पवित्र करता है। वास्तविकता में पवित्रता का मूल अर्थ है अपनी आत्मा में देवत्व धारण करना। अगर आपकी आत्मा में देवत्व नहीं है तो पवित्रीकरण का कोई अभिप्राय नहीं। हम
बड़े भाव से देख रहे थे, लोग प्रणाम वंदन कर रहे थे। क्या मिलता है प्रणाम से? ग्रीड फैक्टर एंड फियर ऑफ लॉस 2 पॉइंट इज मोस्ट सक्सेसफुली लाइफ पीपल्स आर लाइफ और लाइफ ऑफ द मी। हम क्यों करते हैं प्रणाम? क्या मिलता है प्रणाम से? अब तो बाय का जमाना आ गया, टाटा का जमाना आ गया, हाय का जमाना आ गया। जब हम हाथ जोड़ करके किसी को प्रणाम करते हैं तो हमारे जीवन में विनम्रता आती है। क्या आती है? विनम्रता। और जब झुककर चरण वंदन करते हैं तो अहंकार दूर होता है। साष्टांग दंडवत करते हैं तो विकार दूर होता है। और जब सतगुरु के चरणामृति का पान करते हैं तो मोक्ष का द्वार खुलता है। कलश पूजन किया, सारी व्यवस्थाएं की है। भागवत कथा का श्रवण करने के लिए हमारे अंदर पात्रता होनी चाहिए, नहीं तो यूं तो वजू करते हैं हजारों गंगा में जाके, यूं तो रोज नहाते हैं हजारों गंगा में जाके, अगर नियत ही नहीं साफ हो तो गंगा का पानी क्या खाक पाक होगा। हमारे मन की पवित्रता, हमारे तन की पवित्रता सर्वस्व भागवत कथा श्रवण में होती है। हम मंत्रों से वाह्य आवरण को पवित्र करते हैं और जब हम ज्ञान यज्ञ करते हैं तो यहां के वाहरण को, यहां के माहौल को, यहां की निगेटिव एनर्जीज को दूर करने के लिए हरि नाम संकीर्तन करते हैं। आए श्रीमद् भागवत कथा के श्लोक की ओर चलेंगे क्योंकि पहले से ही काफी विलंब हो गया है। व्यासं व्यासकरं वंदे नारायण स्वयं यतः प्राप्त कृपालोका लोकामुक्ता। यस्य तुण्डाचितसुतौ राजतेऽयं रसात्मकः तमच्युत कथां कुञ्जे जन्तुं सुखं भजे। श्रीधरं श्रीधरं वन्दे श्रीधरे कपरायनं यस्येव श्रीप्रसादे श्रीधरेयं कृताकृतिः राधा भक्ति हरि ज्ञानं ताभ्यां याच समन्विता तां श्रीं भागवतीं गाथा वंदे युगलरूपिणं। वंदे युगलरूपिणं श्रीं भागवतीं गाथा। श्री का अर्थ किससे है?
लक्ष्मी से। और आज का दिन तो बड़ा पावन पवित्र है, कोजागिरी पूर्णिमा है। आज के दिन ही माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ, आज के दिन ही माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। स्वाति नक्षत्र है और इस स्वाति नक्षत्र के बूंदों की परंपरा अगर बताएं तो अद्वितीय, संग्रहणीय, दुर्लभ, अनुपम, उत्कल प्रविष्टि और फल देने वाला है। ये स्वाति नक्षत्र का बूंद खुली हुई सीप में पड़ जाए तो मोती बन जाए, हाथी के मस्तक पे पड़ जाए तो गजमुक्ता बन जाए, गैया के कान में पड़ जाए तो गोलोचन बन जाए, बांस की जड़ में पड़ जाए तो बंस लोचन बन जाए। आज की पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए, अल्प आहार करना चाहिए और धनवान लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए पीत वस्त्र को धारण करके, पीले आसन पर बैठ करके माँ लक्ष्मी की छवि को प्रतिष्ठित करके ओम श्रीम ह्रीम नमः का जाप करते हैं अगर 1000 बार तो सदैव माँ लक्ष्मी आपके घर में तिष्ठ तिष्ठ तह तिष्ठ विराजित है, ऐसा माना गया है कि प्रमाणों से कि आज के दिन चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है। चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है इसलिए आज के दिन खीर बनाया जाता है, लेकिन खीर को चंद्रमा की छांव में जब रखें तो ना तो वो जमीन में रहे ना आकाश में रहे, मध्य में रखना चाहिए। वास्तविकता में प्रमाणिकता तो ब्रह्म धातु यानी चांदी के पात्र में है, कहा है चांदी के पात्र में रख के उगर किया जाए तो आयुर्बल यशो वर्च प्रजापासूनि वसूनि च ब्रह्म प्रज्ञाम नो देही तुम देही वनस्पति। आदमी के आयु बल को बढ़ाता है। खीर बनाए ना जमीन में रखे ना आकाश में, किसी वस्तु से उसे बीच में रखें, डोरी से बांध दे क्यों ना, ऊपर से एक पतला सा वस्त्र रखें, शाम को बना करके ऊपर रखा हुआ खीर सुबह बगैर खाते हैं तो आपके आयु का बल बढ़ जाता है, ऐसा वेदों ने प्रमाणित किया। ऐसी सुंदर शुभ घड़ी में कथा का शुभारंभ होना, इंसान के बस की बात तो मुझे नहीं लग रही शेखावत साहब। यह पूर्व समय निर्धारित है, प्रकृति ने हमें आपको माध्यम बना लिया, नहीं तो भाई साहब जितनी देर की मेरी मुलाकात है ना इतने में लोग एक कप चाय साथ में नहीं पी सकते। हमारे एक बालक हैं शंकर जी, सुदर्शन न्यूज पे रोज मेरा प्रोग्राम देखते थे, रोज फोन लगाता है बापू क्या रे आवाने चाहिए आवना गुजरात में मजा आवे। मैं कीधु भाई ये मजा लेवा आवानू नहीं मारे, आओ हो ना तो कई कथा भगवत थाय तो आवा में मजा आवे, एम फरवा में मजा न आवे। योग आया, माँ अंबा ने पुकार सुनी। एक दिन हम और हमारे भैया पाटिल बैठे तो मैंने चल मजा लेकर आते हैं, शंकर बोलता है ना मजा लेने का। आगमन हुआ आकस्मिक, हमारे मानस पुत्र राजेश जी शर्मा इनके घर पे बैठे थे, शेखावत जी से संपर्क हुआ आकस्मिक। राम सेवा समिति का
मेधावी बच्चों के लिए प्रतिभा बढ़ाने के लिए कुछ कार्य था, वितरण था, वहां मुझे बुलाया गया। तो प्रभु ने ऐसा सुंदर योग बनाया। आप देखिए, ये जितनी चीजें देख रहे हो ना भैया, 5 दिन की तैयारी है। कितने दिन की तैयारी है? 5 दिन की। आरती पची और 5 महीने में भी लोगों से कहने का श्रेय है कि जब आप परमार्थ की ओर चलते हो ना, तो रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। हनुमान जी, वहां पर हमारे शेखावत जी से संपर्क हुआ। आप सारे उपस्थित वृंद थे, सबको वंदन है, आभार है। फिर हमने स्वाइन फ्लू पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, गुजरात सरकार को भी कहा कि आप आइए, हम दवा बना करके देते हैं, 24 घंटे में हम स्वाइन फ्लू को खत्म करेंगे, और अगर नहीं करे तो फांसी दे देना, आजमा के देख लो। नेचुरल तो मैं MD हूं, मेरा मेन काम वही है। प्रामाणिकता से कहा कि भाई ठीक है, आप आइए, हमारी चीजों को आप लैब में चेक करिए, मेडिकल एसोसिएशन को लाइए, हेल्थ मिनिस्टर को लाइए, WHO को लाइए, और इसको चेक करिए। अगर इसमें ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जो किसी को नुकसान पहुंचाए तो बिल्कुल मत करना, लेकिन अगर इसके अंदर ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जो लोगों को लाभ पहुंचाए तो आपको करना चाहिए, क्योंकि अगर प्रजा है तो ही प्रजातंत्र है, प्रजा ही नहीं तो प्रजातंत्र का क्या करें। बस ठाकुर जी की महिमा बन गई, और फिर हमें नहीं पता हम कैसे कैसे बंधे हुए चले आए। आप लोग जैसे आगे बढ़ते गए, एक के बाद एक काम सारे सुलभता, सफलता से, सहजता से होते गए। क्यों? पूर्व समय से भारतीय संस्कृति में संवाद की परंपरा है। किस चीज की परंपरा है? संवाद। अववाद और संवाद, दोनों में अंतर है। हम अपने स्वार्थ के लिए वाद करते हैं और जगत कल्याण के लिए संवाद करते हैं। राधा भक्ति हरि ज्ञानम ताभ्याय च समन्विता ताम श्रीं भागवती गाथा वंदे युगल रूपिणम। वेद व्यास जी के मन में एक भाव है, जगत का कल्याण करना, परमार्थ करना, कलिकाल के बंध से लोगों को भवमुक्त कराना। कभी आप लोगों ने आजमाया, अपने आप में देखा क्या? अपने आप में अरुचि हो जाना, जीने की इच्छा नहीं करना, विचारों में स्थिरता का नहीं होना, जिज्ञासी वृत्ति को छोड़ देना, उत्कल प्रबल प्रविष्ट चंचल चितवन से विमुख हो जाना। कल्पना करके देखिए, ऐसे लोग जब अपने जीवन से अरुचि बनाते हैं ना, कितने लोग आग के हवाले खुद को कर देते हैं, कितने लोग ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं से कूद करके प्राण त्याग देते हैं, कितने लोग जलते हुए तेज वाहन से टकरा करके अपने आप को मिटा देना चाहते हैं। लेकिन आज व्यास जी ने जगत कल्याण की भावनाओं को हृदय में रखते हुए संकल्पना की, संवाद किया है। सम धनवाद अस्तु संवाद, दोनों की वैचारिक समन्वय हो, दोनों की बातें को समझी जाए तो ही वो समवाद होता है, नहीं तो वाद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? शेखावत जी, जब ये जीवात्मा दुनिया में आती है ना,
तो ऐसे तो अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं आत्मा का अंश परमात्मा हूं, ऐसा लोग कहते हैं, परमात्मा का अंश आत्मा हूं, थोड़ा विमुख देख लेना। कुछ लोग सोचते हैं मैं ही सर्वस्व हूं, यानी वो मानते हैं मैं परमात्मा हूं। अरे मेरे भाई, पीपल्स लाइफ इज प्री प्लान्ड आल्सो एंड प्री प्लानर इज गॉड। प्रकृति में हमारे साथ जो भी होता है वो पूर्व समय से निर्धारित है, और ये निर्धारित करने वाला परमात्मा है, हमें भान नहीं है, इसलिए हम चिंता करते हैं। काश हम हरि नाम का चिंतन करें। संपूर्ण जीवन दो शब्दों पे लिखा हुआ है, चिंता और चिंतन। चिंता इस विषय पे कि आज मेरा दुख का दिन आया क्यों, और चिंतन इस विषय पे किसी से मुक्ति कैसे मिले। बड़ा अटपटा स्वभाव है, हम स्वयं को नहीं पहचान पाते हैं, दूसरे को पहचानने की बात करते हैं। श्री का अर्थ लक्ष्मी से है, मद श्रीमद सम्मानजनक, मन मस्तिष्क से, भौतिक इच्छाओं का दाह संसार करके, भा भक्ति ग ज्ञान व वैराग्य युक्त निरंतर चीज का उल्लेख होता रहे, वो है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत कथा में आने से पहले पहले आरती करवा देंगे, फिर प्रथम श्लोक की तरफ चलेंगे। बाकी एक चीज तो है शेखाव साहब, जिस दिन हमारी ये कल्पना एहसास कर लेंगे, आपको देखेंगे सब नए नए हैं, पहली बार हमसे मिले हुए लोग हैं, कैसा लगता होगा मेरे भाई? जिस दिन आप मानेंगे, जी सार्फ में आओ भैया, कि जिंदगी है जिंदगी है मगर पराई है। जिंदगी है मगर पराई है,
प्रवक्ताओं के पास बहुत बड़ा ब्रेक होता है, जहां गड़बड़ हो। जय जय राधे। आज पहला दिन है संकीर्तन करते हुए पहले आरती कर लेते हैं। तो आरती करना नहीं होता है, आरती उतारनी होती है। आर्त शब्द से आरती की उत्पत्ति हुई है और आर्त का शाब्दिक अर्थ है द्रवित होना, अपने इष्ट के प्रति निर्मल भाव रखना। आरती पांच प्रकार से उतारी जाती है, पंचदीप से, रुद्राक्ष से, शंख से, जल से, और सबसे बड़ी आरती है जो भावों से उतारी जाती है। आरती करी नहीं जाती, आरती उतारते समय यह भाव होता है कि मैं मेरे इष्ट के कष्ट को उतार लूंगा, लेकिन मुझे कष्ट नहीं होने दूंगा। अगर ये भाव आपके मन में आए तो इष्ट आपको कभी कष्ट होने नहीं देगा। आए कभी भी श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ से पहले हरि बोल राधे बोल गोविंद राधे तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन वेदों की परंपरा के आधार से श्री गोविंद दामोदर स्त्रोत अगर न किया जाए तो भागवत कथा का आनंद नहीं है और उसे पूर्ण भी नहीं माना जाता। तो इसमें अगर सत्स्वर सारे लोग नहीं गा पाएंगे या हमारे बैक सिंगर कोरस भी नहीं गा पाएंगे तो बाकी काम बांसुरी वाले दादा सुना लेंगे, क्योंकि इसे गाना भी थोड़ा ट्रिपिकल है। चंद पल ठाकुर की सेवा में करतल करते रहेंगे, उसके बाद आरती। जब आप सत्संग में आए ना तो इस शरीर से तीन काम करें, नेत्रों में प्रभु के दर्शन की अभिलाषा हो, जिहवा पे हरि नाम हो, और इन हाथों से मधुर करतल। जब ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां एकाग्र हो जाएंगी तो आपका मन भटकेगा नहीं कि राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। राम कथा में जब आप करतल बजाते हैं तो संशय जीवात्मा के साथ आ जाता है और बस मौके की तलाश करता है। लोग आप पर संशय करें तो कर्मों से धो डालोगे, लोग आपकी आलोचना करें तो सत्य से आप लोचन बन जाओगे, नेत्र बन जाओगे, पात्र नहीं रह जाओगे। लेकिन अगर स्वयं के कर्म में ही संशय आ जाए तो मन मलिन हो जाता है। इसलिए कहा है वेदों ने संशय आत्मना विनाशयति, संशय आत्मा का विनाश कर देती है। तो संशय बिहग उड़ावन हारी, राम कथा में जो सुंदर करतल बजाते हैं जीवात्मा के नजदीक संशय रूपी, बिहग का मतलब पक्षी है, वो दूर भाग जाता है और जीवात्मा परमात्मा के नजदीक पहुंच जाती है। आए श्री गोविंद दामोदर स्त्रोत का पाठ करते हैं, उसके बाद आरती उतारेंगे, कथा की तरफ चलेंगे। मुखार विंदे
श्रद्धाधिकं मोह वासाद वोचद श्रद्धाधिकं मोह वासाद वोचद